रामाय राम भद्राय रामचंद्राय वेधसे रघुनाथाय नाथाय श्री सीताय पतये नमः। प्यारे मित्रों, जय श्री राम, जय माता दी। आइए दिव्य उसी सारस और बंदर की जो आपस में चर्चाएं हो रही हैं उन्हीं कथा को आगे बढ़ाते हैं। सारस के मुख पर भीषण कष्ट के लक्षण उभरे हुए दिखाई दे रहे थे। वह बोला, बंदर, मैं तुम्हें विस्तार पूर्वक बताता हूँ कि मुझे किस कारण इस जन्म में आना पड़ा। ये बंदर योनि में पिछले जन्म में मेरा जन्म एक ब्राह्मण योनि में हुआ था, और ये जो सारसी है, जो मेरी पत्नी है, ये भी ब्राह्मणी थी। 30,000 वर्षों तक भयंकर कष्टों को हम दोनों ने प्राप्त किया। हमारा तुम्हारा भी संपर्क पिछले जन्मों में हुआ था। ये घटनाएं 30,000 वर्ष पहले की हो चुकी है। सारसी ब्राह्मण की योनि में जन्म लिया था। हे प्रेत, तुमने सूर्य ग्रहण के समय कोई दान नहीं किया, कोई यज्ञ इत्यादि नहीं किया, और यहाँ तक कि इसका दसवां अंश भी, जो तुमने धन इत्यादि कमाया, इसका दसवां अंश भी तुमने कभी भी दान में नहीं दिया। और जो तुमको मिलता था उसको भी तुमने कहा कि मैं इसको रख लेता हूँ, और जो शेष बचेगा वो लोक दिखावे के लिए, ब्राह्मण थे तो जो शेष बचेगा वो लोक दिखावे के लिए मैं गरीबों को बांट दूंगा। मैं भयानक रोगों को आपको भोगना पड़ा, और इसके तत्पश्चात 30,000 वर्षों तक रुधिर तथा पीव इत्यादि के सरोवरों में रहना पड़ा, नरकों की यातनाएं करनी पड़ी। इस प्रकार 30,000 वर्ष तक घोर दुख को, कष्ट को झेलने के तत्पश्चात मुझे यह पक्षी की योनि अर्थात सारस योनि प्राप्त हुई। इस सारस योनि के लेने के संभवता हम दोनों को मृत्यु योनि भी प्राप्त होगी, और मानव शरीर अत्यंत भाग्य से और अच्छे कर्मों से प्राप्त हुआ करता है। मानव का जो शरीर है ये अनेका अनेक, जब हम सदकर्म करते हैं तब जाकर के कहीं मनुष्य का देह हमको प्राप्त होता। देव दुर्लभ दिया देह प्रभु ने, देवता भी शरीर को, मानव देह को प्राप्त करने के लिए लालायित रहते हैं, सोचते हैं कि ये मनुष्य का देह हमको भी प्राप्त हो जाए। उसका उदाहरण तुम प्रत्यक्ष हो। तुम राजा थे, तुम्हारा जन्म उच्च कुल में हुआ था, परिवार भी तुम्हारा शानदार था, परंतु अपने भोगों और कर्म फल के स्वरूप तुमने बानर योनि में जन्म को लिया। मैं सारसी के साथ वन में अपने काल की प्रतीक्षा कर रहा हूँ। बानर तुरंत बोला, हे सारस, तुमने मेरे अधर्म, मेरे जो नेत्र थे, अधर्म युक्त नेत्र थे, उन नेत्रों को खोल दिया। पिछले जन्मों की स्मृतियां मुझे याद आ गई हैं, अब ये बताओ इन स्मृतियों को दूर कैसे किया जाए। अज्ञान नष्ट हो गया तुम्हारी इन बातों से। हे सारस, मुझे अब बताओ कि किस प्रकार मैं अपने इन पाप कर्मों को दूर करूं। सारस बोला, हे बानर, मैं त्रिवेणी जा रहा हूं स्नान करने के लिए। बानर बोला, हे धर्मात्मा, मैं भी तुम्हारे साथ चलूंगा, मुझे कोई उपाय बताओ मैं कैसे चलूं। क्षमा करो, मुझे क्षमा करो, मुझे भी आप अपने साथ त्रिवेणी ले चलो, क्योंकि जब आप जा रहे हो तो मैं भी आपके साथ त्रिवेणी चलूंगा। सारस हंसा और हंस करके बोला कि तुम हमारे साथ प्रयागराज प्रस्थान करो, तथा सारसी बानर इत्यादि ये सभी प्रयागराज की ओर प्रस्थान किए हैं। वहाँ उन तीनों को मुक्ति प्राप्त हो गई। प्रेत योनि युक्त जो केरल का ब्राह्मण बोला, हे विप्र, मुझे पता है कि तुम्हारी गागर में जो गंगा जल है ना, मैं प्रार्थना करता हूँ इस जल को मेरे को पिला दो, मेरी तृष्णा भी दूर हो जाएगी, और बिना इसको पिए मैं उद्धार नहीं कर पाऊँगा। जैसे ही उसके ऊपर जल को डाला है सुब्राह्मण ने, केरल के ब्राह्मण के ऊपर, इस प्रकार केरल के ब्राह्मण की भी मुक्ति हो गई, और मुक्ति पाने के पश्चात वह तुरंत माघ स्नान के लिए त्रिवेणी की ओर प्रस्थान किया है। और जैसे ही त्रिवेणी की ओर पहुंचा है, वहां पर स्नान किया है, प्रयागराज संगम में स्नान किया है, वह भी उस योनि से छूट करके
भगवत धाम को चला गया। तो ये पावन महिमा है तीर्थराज प्रयाग की। और संत तो यहाँ तक कहते हैं गंगा तव दर्शनार्थ मुक्ति, उस घड़े के अंदर जो जल था उस जल का घड़े का दर्शन करने मात्र से उसके प्रेत के अंदर बोलने की क्षमता आ गई। तो गंगा तव दर्शनार्थ मुक्ति, गंगा के दर्शन करने से जीव को मुक्ति प्राप्त हो जाती। दरस परस मज्जन अरुपाना, दर्शन करने से, पान करने से, स्नान करने से समस्त प्रकार के विकार दूर होते हैं। मित्रों ये पावन दिव्य कथा बड़े ही भाग्य से जीव को प्राप्त होती है और जीव इसका सदुपयोग करे, क्योंकि मनुष्य देह परमात्मा की कृपा से मिला हुआ है। जैसे इन सभी का परमात्मा ने कल्याण किया, माघ मास स्नान का जो सुंदर भाव यहाँ पर दिया गया है, इस माघ मास स्नान में जो भी भक्त स्नान करते हैं माघ के महीने में, उनको धन यश मान सम्मान प्रतिष्ठा सब कुछ प्राप्त होती है। यह लोके सुखम भूत्वा यान्ते शतपुरम व्रजेत, इस लोक में सुख की प्राप्ति होती है, धन धान्य की प्राप्ति होती है और अंत में भगवान के दिव्य लोक में जाते हैं। आइए आगे की कथा हम कल के पावन प्रसंग में श्रवण करेंगे। तब तक के लिए दीजिए इजाजत। जय माता दी, जय माता।